फिर कहानी ऐसी होती है कि भेड़िया वरुण धवन जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर भेड़िया वरुण धवन को छुड़ाने के लिए भेड़िया कृति सेनन आती है और कृति सेनन भेड़िया वरुण धवन को छुड़ा कर लेकर चली जाती है। फिर बाद में भेड़िया कृति सेनन जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, पिंजरे में डाल दिया जाता है। तब भेड़िया वरुण धवन जो है वो बहुत सारे चमगादड़ों की फौज लेकर आता है, वहां पर तबाही मचाता है और भेड़िया कृति सेनन को छुड़ा कर लेकर चला जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने भेड़िया फिल्म नहीं देखी है और देखना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वरुण धवन की एक्टिंग देखने के लिए अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो इस दुनिया में आपसे महान कोई होगा ही नहीं, आपको तो सम्मानित किया जाना चाहिए, वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार से। वरुण धवन को मैं OTT पर ना देखूं, आप सिनेमा घर में देखने की बात करते हैं। जो इंसान गोविंदा की एक्टिंग कर करके अपना करियर चला रहा है उसकी एक्टिंग देखने के लिए सिनेमा घर में जाए, ये तो अपने आप में बहुत बड़े शर्म की बात होगी। वैसे भी वरुण धवन की एक्टिंग देखने के बाद आपको इतनी हंसी आएगी कि कहीं आपको हंसते हंसते आपके प्राण पखेरु ही ना हो जाए। KRK ने भी भेड़िया का रिव्यू किया है, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन KRK ने जो रिव्यू किया है उसके बारे में बातचीत की जाएगी और KRK ने जिस तरह से रिव्यू किया है उसे देखने के बाद आपको सिर्फ हंसना ही आएगा। ये किसी स्टैंड अप कॉमेडी से कम नहीं था, इतनी बेहतरीन रिव्यू की है KRK ने। कहानी ऐसी है कि फिल्म में वरुण धवन जो है वो एक कॉन्ट्रेक्टर है और अपने बाप दादा की पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी है उसे बेच कर ये अरुणाचल प्रदेश जाते हैं और वहां के जंगलों को काट कर वहां से बीच से सड़क निकालने का इनको जिम्मेदारी दिया जाता है। तो एक रोज जब ये जंगल के रास्ते आ रहे होते तभी एक इच्छाधारी भेड़िया, इच्छाधारी नाग का आपने नाम सुना होगा, तो एक इच्छाधारी भेड़िया इन्हें काट लेता है। तो इच्छाधारी भेड़िया वो कौन है? कृति सेनन है, वो काट लेती है। तो ये बस तो जाते हैं भाई साहब, लेकिन उस इच्छाधारी भेड़िया का जो भी खून वगैरह इनके बॉडी में घुल गया हो तो ये बन जाते हैं भेड़िया। हर रात भेड़िया बन जाते हैं और लोगों का शिकार करते हैं। जैसे वही स्पाइडर काट लेता है तो स्पाइडर मैन बन जाता है। तो अच्छा हुआ आज के जमाने में डायनासोर नहीं है भैया, वरना वरुण धवन को डायनासोर काटता तो ये डायनासोर बन जाते। फिर जैसे न्यूयॉर्क की सड़कों पर तबाही मचाते हैं डायनासोर। सबसे ज्यादा इतिहास में अगर किसी शहर का नुकसान हुआ है अमेरिकन फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में, तो वो है न्यूयॉर्क शहर। कई बार इसे ध्वस्त किया गया है फिल्मों में, कभी डायनासोर, कभी कोई और, तो कभी कोई और। तो वरुण धवन यहाँ पर भी जंगलों को नुकसान पहुंचा देते। खैर भेड़िए ने ही काटा था, यहीं तक बात अच्छी थी। अब वरुण धवन जब भी भेड़िया बनते हैं तो इनके कपड़े जो है फट जाते हैं, सिर्फ इनके शरीर पे एक ही चीज रहती है, चड्डी। चड्डी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, चड्डी फटती नहीं है, चड्डी सही सलामत रहती है और उसी चड्डी को आधार बनाकर पुलिस जो है वरुण धवन को गिरफ्तार भी करती है। मतलब चड्डी चड्डी का खेल चलता है और जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है, इसी को लेकर कहानी आगे बढ़ती है। और एक सीन में कुछ तेरा तेरा सुरूर का कुछ गाना आता है, जैसे ही यहाँ से तेरा तेरा सुरूर करते हैं वहां से भेड़िया खड़े को ऐसे करते हुए आवाज आती है। KRK ने जिस तरह से एक्टिंग की है वो आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। एक सीन में वरुण धवन जो है KRK कहते हैं कि अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। KRK कहते हैं कि वरुण भाई आपका पिछवाड़ा बहुत खराब है, उसे ना दिखाए तो ही बेहतर होगा। फिर कहानी ऐसी होती है कि भेड़िया वरुण धवन जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर भेड़िया वरुण धवन को छुड़ाने के लिए भेड़िया कृति सेनन आती है और कृति सेनन भेड़िया वरुण धवन को छुड़ा कर लेकर चली जाती है। फिर बाद में भेड़िया कृति सेनन, मतलब कृति सेनन भी भेड़िया ही है, भेड़िया कृति सेनन जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, पिंजरे में डाल दिया जाता है। तब भेड़िया वरुण धवन जो है वो बहुत सारे चमगादड़ों की फौज लेकर आता है, वहां पर तबाही मचाता है और भेड़िया कृति सेनन को छुड़ा कर लेकर चला जाता है। ये गिने सिने हुए कुछ सीन है। वरुण धवन और कृति सेनन की एक्टिंग बहुत ही घटिया है, ऐसा KRK का कहना है। फिल्म बहुत ही बकवास तरीके से बनाई गई है और इसमें एक्टिंग जो है वो अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल ने काफ़ी अच्छी की है। इसके कास्टिंग डायरेक्टर भी अभिषेक बनर्जी ही है। और दूसरी, ये जो डायरेक्शन बहुत ही ख़राब की गई है, VFX कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत ही घटिया है, कुछ खास नहीं है। अब जिन लोगों ने देखा होगा वो कमेंट करके बता दीजिए कैसा है। मैं तो यहाँ पर अपने रिव्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं KRK की कई भी बातों को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो मिला जुलाकर KRK ने इस फिल्म को सिंगल रेटिंग दी है और बिजनेस रेटिंग आधी दी है और कहा है कि ये फिल्म 25 से 30 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। अब आपको ये फिल्म कैसी लगी है आप अपने रिव्यू जरूर कमेंट कीजिए।